दोस्तों, आज जो 10% का जो लोचा लगा हुआ है, जो झोल हुआ है यूपीएस में, हम पूरा डिटेल बताएंगे कि 10% का झोल क्या है और यूपीएस, जी हाँ दोस्तों, जिसका पूरा देश के कर्मचारी नकार क्यों रहा। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला झोला तो ये कि आपका जो 10% यूपीएस में कटेगा वो जिंदगी भर कटेगा जब तक आप सर्विस करेंगे, पूरा लाइफ कटेगा और लास्ट में उस पैसा को आपको झुंझुना थमा दिया जाएगा, यानी वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा झोला समझिए, जो 50% पेंशन की गारंटी ले रहे हैं, जो आपका पैसा 10% कटेगा और सरकार 18.5% जमा करेगी, यानी 28.5% जमा होगा, उसी से आपको 50% पेंशन ये श्योर किया जा रहा। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, 12 महीना लास्ट सैलरी का जो अंतिम सैलरी होगा रिटायरमेंट से पहले वाला, 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 50% पेंशन के रुपया दिया जाएगा, 50%। जी हाँ दोस्तों, वहाँ भी झोला है, क्योंकि अगर अंतिम वर्ष में जनवरी का वेतन कुछ और रहेगा और दिसंबर का वेतन कुछ और रहेगा, मान लीजिए जो रिटायर जिस समय होगा, साल का अंतिम समय का रिटायरमेंट का पेमेंट कुछ और रहेगा और साल का शुरुआत का पेमेंट कुछ और रहेगा, तो उसका जब एवरेज निकाला जाएगा तो अंतिम महीने का सैलरी से कम आएगा। जी हाँ दोस्तों, जबकि ओपीएस में अंतिम महीना का सैलरी का 50% पेंशन दिया जाता है, ये बात आपको पता होगा। उसके ऊपर से महंगाई भत्ता दिया जाता था, महंगाई रिलीफ दिया जाता था, तो 10% का झोला वहाँ भी है। इसके अलावा आपको बता दें, जो लमसम अमाउंट मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, जो बोला जा रहा है कि लगभग 6 महीने का पेमेंट आपको दिया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, वो हर 6 महीने का बेसिक और डीए का 1/10 जमा होगा, यानी 30 साल नौकरी करते हैं तो 60 बार आपको उसका 60 गुना मिलेगा, यानी 60 गुना जोड़ लें या फिर लास्ट 6 मंथ का सैलरी जोड़ लें। मान लीजिए आपका सालाना अंतिम समय में आपका 12 लाख सालाना बनता है, तो आपको 6 लाख रुपये एक मुफ्त मनी दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ भी झोला है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेचुटी का सबसे बड़ा सवाल है, ग्रेचुटी का, ग्रेचुटी जो ओपीएस में मिलता है उसमें भी झोला है। ग्रेचुटी जो ओपीएस में मिलता है, पहले जो मिल रहा था उससे कम ग्रेचुटी मिलेगा आपको यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, आप हिंदू आज तक का अखबार आप जाकर 26 अगस्त में वो पब्लिश हुआ है, उसमें आप देख लीजिए, उसमें साफ लिखा है कि जो ग्रेचुटी का मनी होगा वो कम होगा ओपीएस में जो ग्रेचुटी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस में नियम था 35 साल सर्विस करने के बाद 25 लाख रुपये ग्रेचुटी मिलता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें कितना ग्रेचुटी मिलेगा वो अभी जब गजट आएगा, 1-2 महीना गजट आ जाएगा, उसमें क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन आज तक जो बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 10% पैसा तो आपको जो कटेगा जिंदगी भर वो तो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा लोचा 10% का है। इसके अलावा ग्रेचुटी बताएं दिए, इसके अलावा वीआरएस का भी लोचा है यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, वीआरएस का लोचा हम पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि अगर 20 साल में आप नौकरी में आते हैं और आप 25 साल नौकरी कर वीआरएस लेना चाहते हैं, अगर रिटायरमेंट आप 60 वर्ष में होते हैं तो 15 साल जो बचता है, 15 साल जोड़े 60 वर्ष, उस 15 साल में आपको 1 रुपया पेंशन नहीं मिलेगा यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, जब आपका सुपर होगा उसके बाद ही रिटायरमेंट का पैसा आपका चालू होगा। अगर बदकिस्मत से बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से सरकार आपका जो 10% पैसा काटेगा उस पैसा से ही आपको पेंशन देगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी पूरा पेंशन नहीं मिलेगा आपको, 50% मिलेगा, बाकी का पैसा सरकार अपने यहाँ रख लेगी। सोचिए कितना बड़ा लोचा है यूपीएस में। दूसरा आपको बता दें, यूपीएस का एक तो 10% का लोचा झोला चल रहा है जो सरकारी कर्मचारी काफ़ी नाराज हैं, दूसरा आपको वीआरएस का लोचा जो आपको बताया अभी, तीसरा लोचा ग्रेचुटी का, जो कम ग्रेचुटी पैसा मिलेगा आज तक के अखबार के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा जो टीवी सोमनाथन जी ने बयान दिए हैं उसमें साफ बोले हैं कि आप 1 टाइम ही चूज कर सकते हैं इसको, यानी जब एनपीएस से जब 1 टाइम यूपीएस चूज कर लीजिएगा तो वापस मुड़कर नहीं आ सकते हैं, आपको यूपीएस में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से 4 लोचा है यहाँ पर, और 10% का लोचा और झोला तो आपको बता ही दिए। आपको सिर्फ गारंटी एश्योर पेंशन किया जा रहा है 50%,
आपको जो फैमिली पेंशन है 60% दिया जाएगा, वो भी सुपरन्यूएशन के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर कार्य करते वक्त आपका कुछ हो जाता है तो फैमिली पेंशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा। ये कन्फर्म नहीं है, गजट आने के बाद हम बताएंगे इसके ऊपर। मेडिकल कार्ड, जी हाँ दोस्तों, ओपीएस जो मिलता था पहले कर्मचारी को, उसको मेडिकल कार्ड बनता है। यूपीएस में मेडिकल कार्ड का कोई सुविधा भी फिलहाल नहीं ऐड किया गया है। इसके अलावा भी यूपीएस में वेतन आयोग का कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो बहुत सारी कमियां हैं यूपीएस में, इसीलिए जितने भी जो संगठन हैं यहाँ दोस्तों, वो बता रहे हैं कि ओपीएस जैसा यूपीएस है, क्योंकि तीन पिलर के कारण ये चीज़ बात हो रही है। पहला पिलर एश्योर पेंशन 50% का, दूसरा पिलर फैमिली पेंशन 60% मिलेगा, और तीसरा पिलर कि 10 साल आपने सर्विस कर लिया तो मिनिमम 10,000 रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बता दें जो पैरामिलिट्री जवान हैं, जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि देश की जो रक्षा करते हैं वो 20 से 22 साल में अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, 25 साल वेट नहीं करते हैं, जबकि यूपीएस में 25 साल नौकरी करने के बाद ही पेंशन आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस यूपीएस से तो ऐसे ही महरूम है, उसको तो मिलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए देश का सारा कर्मचारी नाराज है। देश के 23 लाख कर्मचारी, जो केंद्र का कर्मचारी 23 लाख है, उनको ये बोला जा रहा है कि ओपीएस जैसा यूपीएस में सुविधा दिया जा रहा सरकार के तरफ से, सरकार को आप लोग माला पहनाइए। बताइए, जो कर्मचारी ओपीएस चाहता हो भला क्यों यूपीएस वालों को माला पहनाएगा? और जितने भी यूपीएस का जो गुणगान कर रहे हैं, सारे ओपीएस का मलाई रेवड़ी खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, और जो मीटिंग में बैठक में जो संगठन भाग लिया था, सबके सब ओपीएस वाले हैं। तो लड़ाई ओपीएस वर्सेस यूपीएस की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप यूपीएस का परोपकार तब कर सकते हैं जब आप खुद यूपीएस लीजिएगा, अन्यथा आपका कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर यूपीएस थोपने की। आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हम खुद ओपीएस ले रहे हैं और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं कि यूपीएस ओपीएस जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारी आपको मिल जाएंगे जो इनके भुलावे में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एन एम ओ पी एस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार बोले कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 29 अगस्त को महाट्यूटर अभियान चलने वाला है। महाट्यूटर अभियान हूबहू ओपीएस के लिए, यहाँ दोस्तों हैशटैग हूबहू ओपीएस, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शाम में लगातार हैशटैग चलेगा, ट्विटर महाअभियान। ये अटेबा के अध्यक्ष विजय बंधु का ऐलान है, महाऐलान है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और टाइम टू टाइम आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि ओपीएस का ही डिमांड है और हूबहू ओपीएस ही उनको चाहिए। हरियाणा में भी अंबाला में आप देख लिए होंगे झंडा मार्च, तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि पूरा देश का कर्मचारी को सिर्फ हूबहू ओपीएस ही चाहिए, ना कि यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहें जोक सपाट के लिए कि यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में, आपको पता होगा। यूपीएस तो दे दिया गया है, बट यूपीएस का बैटरी सरकार ने रख ली है, वो 10% का झोला के बात बोल रहे हैं। इस बात को समझिए, ये जोक सपाट है, सीरियस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो 10% का जो झोला है वो सरकार ज़बरदस्त तरीके से सरकारी कर्मचारी के ऊपर कुठारा घाट की है, धोखा किया है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।